नदीम, नदीम, नदीम कहाँ चले गए? लगता है फिर बड़ी और छोटी आपा ने हाजरी को बुलाया होगा। नदीम अहमद अपनी बहनों के सवालों के जवाब देने के लिए और कितनी टेंशन देनी है एक अकेले नदीम अहमद को इन दोनों ने। कुछ बोलोगे नदीम अहमद या इसी तरह चुप खड़े रहोगे? आपको किसने बताया? जिसने भी कहा है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम और दुआ एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे या नहीं? जी बढ़िया था, मैं और दुआ एक दूसरे को पसंद करते थे। कितना मासूम समझती थी मैं तुम्हें नदीम अहमद। मुझे अपनी तरबियत पर हमेशा फख्र था कि मेरा भाई कभी भी किसी लड़की को आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। आज मेरे हाथों का पला हुआ नदीम अहमद मेरे सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का एतराफ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं और दुआ मियां बीवी हैं। खड़ी अप्पा, अब इसे गुना तो तसव्वुर मत कीजिए। बड़ी अप्पा, वैसे नदीम अहमद बात तो दुरुस्त कर रहा है। अगर कोई दाग लगा भी होगा भाई तो शादी के बाद तो धुल गया होगा ना। अपनी जहानत अपने पास रखो मेरी। तुम तो इसी वक्त यहां से चली जाओ। क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। कितनी मासूम शक्ल है ना, और मेरे सादा भाई को तुमने किस तरह फंसाया है। नदीम, ये क्या कह रही हैं? तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हर वक्त इस घर में अदालत क्यों लगी रहती है। वाह भाई, आज तो ये भी बोलने लगी। नदीम अहमद, जरा सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों मियां बीवी का ताल्लुक शादी से पहले भी था, तो उनकी तरबियत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और नदीम एक दूसरे को पसंद करते थे, ये कोई गुनाह नहीं है। दुआ, मैंने तुमसे कहा ना कि कमरे में जाओ। नदीम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बात पूरी करूंगी। ये कैसे हम पर कीचड़ उछाल सकती हैं? अब तो हमारी शादी हो गई है। देख रहे हो अपनी बीवी की जबान किस तरह चल रही है? कोई गैरत जाग रही है तुम्हारे अंदर या नहीं? नदीम अहमद, मेरे सामने खड़े होकर किस किस्म के संगीन जुमले कस रही है ये? सारा आपा, आप सब्र करें। अपने पाल पोस के प्यार मोहब्बत से नदीम अहमद को इसीलिए तो बड़ा किया है ना, ताकि आपको ये दिन देखना पड़े। नदीम, ये सब क्या है? मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ।